हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए हम जो अपना आगे की वीडियो बनाते हैं, जो हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सेक्शन डी में 5 मार्क्स क्वेश्चन है, स्टेट बायोसावर्ट्स लॉ। आपको क्या बताना है, पहले बायोसावर्ट्स लॉ बताना है। यूज इट टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायो सर्वेट्स लॉ क्या होता है। हम डायरेक्ट भाई इसमें एक और में क्वेश्चन भी है भाई, मतलब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बोल रखा है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये क्या है भाई, बायो सर्वेट्स लॉ। पहले हम बताएंगे कि भाई डी बी है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डीएल साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये सारी बातें बताएंगे पहले, ये वाली बात, फिर हम ये फॉर्मूला सीधा लिख देंगे कि किसके ऊपर ये बायो सर्वेट्स ला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये वाली बात। फिर नेक्स्ट है यूज इट टू। अब इसका बायो सर्वेट्स ला का हम क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे किसके लिए, एक जो सर्कुलर रिंग जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट। हम इसका कंप्लीट इस वीडियो में निकाल करके नहीं दिखाएंगे, बट आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे करना है। इसका सेंटर पॉइंट ले लिया हो, ये इसका क्या भी ए, यहां से इसके एक्सिस से यहाँ पर एक पी पॉइंट है सेंटर से, जो कि कितने एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। फिर हम यहाँ पर एक डीएल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक पार्ट, छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे। फिर उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या होगी डी बी, इसके बीच में कितना एंगल होगा 90 डिग्री का, इसके साथ में इसने एंगल बना रखा है फाई। ऐसा ही सेम हम यहां पर एक पार्ट क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा भी? इसको डीएल डैश बोल दिया, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डी बी डैश। ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, ये भी एंगल कितना होगा फाई। हम ये बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बोल दे इसको, और इसको क्या बोल दे बी बोल दे। फिर इनको क्या करेंगे, हम भी एक्सपेंड भी करेंगे, तो हम रेक्टेंगल कंपोनेंटों में इनको कैसे तोड़ेंगे, ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई आएगा, ये एंगल फाई कैसे आए हम ये बात देख रहे हैं। ये एंगल 90 है, ये कितना आया अभी 90 माइनस का फाई, 90 माइनस का फाई, क्योंकि तो देखो कंप्लीट एंगल कितना अभी 90 डिग्री का है, उसमें से हमने फाई को घटा दिया तो 90 माइनस फाई रह गया। फिर ये एंगल भी कंप्लीट 90 का है, फिर क्या किया 90 में से 90 माइनस फाई घटाया तो ये कितना बच गया फाइव रह गया, 90 माइनस फाइव, और उसमें से हमने क्या कर दिया 90 में से घटा दिया इसको, तो कितना रह जाएगा भाई 90 माइनस का 90 प्लस का 5, इसे कैंसिल आउट, ये 5 एंगल रह जाएगा। सिमिलरली ये भी 5 एंगल रह जाएगा। अब इस डीबी और डीबी डैश को रेक्टेंगल कंपोनेंटों में रिजोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इस साइड आ जाएगा भाई डीबी कोस फाइव, और ये क्या आ जाएगा डीबी साइन फाइव। ऐसे ही डीबी डैश को रिजोल्व करेंगे, इस साइड आ जाएगा डी बी डैश कोस फाई, और इस साइड आ जाएगा डी बी डैश साइन फाई। जब हम डी बी की वैल्यू निकालेंगे, डी बी की वैल्यू क्या होगी भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू के अंदर आइडियल साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, जो रेक्टेंगल कंपोनेंट ये निकाला है और जो डीएल है उसके बीच में कितना एंगल 90 डिग्री का एंगल, यानी कि साइन 90 की वैल्यू हम ऑलरेडी पुट कर चुके होंगे, साइन 90 कितना होगा 1 के बराबर, अपॉन के अंदर आर स्क्वायर। आर कौन सा होगा भाई, ए से और पी का डिस्टेंस, यानी कि हम बोल दें यहां पर ए पी का क्या कर दें स्क्वायर कर दें। फिर ए पी की वैल्यू निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से वैल्यू क्या आ जाएगी ए पी की, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैसे आई, पाइथागोरस थ्योरम से आई, इसमें पुट करेंगे तो हम आगे देखेंगे डीबी और डीबी डैश की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या आएगी भाई मैग्नीट्यूड में बराबर आएगी, मैग्नीट्यूड में क्या आएगी बराबर। तो जो कोस वाले हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से। हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, और इसके जो सॉल्यूशन होगा उसकी मेरे पास पीडीएफ मिलेगी आपको, उस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या बोल रखा है, कंसिडर ए टाइटली वाउंड हैंडल ट्रेंस ऑफ द कोयल्स ऑफ रेडियस, यानी कि एक कोयल
डी और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिए कितने है भाई 100 है और उसकी रेडियस दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। साथ में क्या दिया कैरिंग करंट आई और वो करंट कितना कैरी हुए भाई यानी कि 1 एम्पियर करंट कैरी किए हुए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो हम देखते हैं भाई एक ऐसे कॉइल और उसमें से करंट जा रहा था ऐसे उसका रिजल्ट आता है अभी सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वो बोल रहे हैं भाई हम यहाँ पर डीएल डिस्प्लेसमेंट ले लें और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू क्या निकालेंगे भाई बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू के अंदर 2i/r। अगर ऐसा ना करें तो ये बोलेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई आई बाई आर। तो हम इसकी वैल्यू हमें पता है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू के अंदर 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 1 ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लूं 10 इंटू 10 की पावर -2 यानी कि 10 की पावर -1 है क्या ऊपर चला जाएगा वो 2 इंटू 10 की पावर -7 तो ये सही। साथ में माइनस का 1 क्या आ गया भाई एक और आ गया प्लस का हो गया वो कितना आ गया भाई 2 इंटू 10 की पावर -6 ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा भाई। तो ये पहला पार्ट पहला क्वेश्चन हो जाएगा अटेम्प्ट। इसके और में दे रखा भी इसके और में क्या दे रखा भी कि डेराइव ए फॉर्मूला फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन राइट द नेचर ऑफ फोर्स हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो देखो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है पहले हम बोलेंगे कि दो लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर कोई दो कंडक्टर हैं और वो करंट कैरी किए हुए हैं एक ये और ये विच आर आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर या फिर बोल दे कि आर डी कुछ भी ले ले भाई आर डिस्टेंस है और उनके अंदर से क्या जा रहा है भाई करंट जा रहा है किसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक में करंट सपोज करो कि ऐसे जा रहा है करंट इसमें आई वन करंट जा रहा है इसमें कैसे जा रहा है करंट ऐसे जा रहा है आई टू करंट जा रहा है ठीक है। ये है अभी कंडक्टर सी वन डी वन ये है सी टू डी टू। उसने बोला कि इसके अंदर हम फोर्स निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं इसमें तो क्या करेंगे भाई जैसे हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया भाई अपनी ग्रिप के अंदर राइट हैंड की ग्रिप के अंदर कोई भी लीनियर कंडक्टर को कैरी कर लिया फिर जो थंब्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ट्रैवलिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी भाई ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल बनते चले जाएंगे। अब वो क्या होगा भाई वो कोसेंट्रिक सर्कल इसको ऐसे टच करते हुए जाएगा सपोज करो कि ये इसको ऐसे टच करते हुए जा रहा है ऐसे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। फिर इसके अंदर क्या आएगा भाई हमने देखा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा भाई इसका बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड बी वन उसका बोल देंगे बी टू। अब क्या कर रहा है भाई कि ये जो फोर्स है जब हमारे पास में फ्लेमिंग क्या आएगा भाई लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट आ गया तो फोर्स या मोशन होगा इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के क्या होगा भाई 90 डिग्री के ऊपर होगा तो इसमें फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगी एफ वन अंदर की तरफ नहीं भी बाहर की तरफ आ जाएगी इसमें एफ वन ठीक है। सिमिलरली हम एक ऐसा डायग्राम इसी साइड बनाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे वो भी क्या होगा एफ टू की वैल्यू आएगी वो बाहर की तरफ आएगी तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब एक दूसरे को रिपेल कर देंगे फोर्स का नेचर बता दिया अब फोर्स निकालने के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं भाई एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फिर बी विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का कौन से का यूज करेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू के अंदर 2i/r इसका करेंगे क्योंकि एक कोई भी एक लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर है
और उससे हम क्या निकालते थे भाई, फोर्स निकालते थे कुछ डिस्टेंस के ऊपर उस पॉइंट के लिए, उसका इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। और लेंथ हम यहां पर क्या लेकर के चलेंगे, यूनिटी लेंथ लेकर के चलेंगे, 1 मीटर लेंथ लेकर के चलेंगे। तो इसका जो नेट फॉर्मूला आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू के अंदर 2I1I2 डिवाइडेड बाई आर, ये आ जाएगा फोर्स। साथ में उसने बोला है डिफाइन 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा, तो हम पहले ये बोलेंगे इफ क्या हुआ भाई, I1 और I2 दोनों के ऊपर बराबर है कितना, 1 एम्पियर, R की वैल्यू भी कितनी है अभी 1 मीटर, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू इसकी पावर बोल दो भैया, इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 इंटू के अंदर 2 × 1 × 1 / 1 / 1, यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर आई। अब ये हम देख रहे हैं, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है अभी स्ट्रेस, यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर के ऊपर कितना स्ट्रेस और इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर कितना स्ट्रेस, वो फोर्स दोनों का सेम ही आना है। तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू लीनियर कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस एंड दे एग्जर्ट 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन फोर्स बिटवीन देम, देन वी कैन से दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज टू बी 1 एम्पियर। ये होगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। फिर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बोल रखा है, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर, दीज वर आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, उसमें दिया क्या भी, इसने आर की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी भाई, इसने कितनी वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी भाई इसने 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये बोल दिया भाई कि जो दो कंडक्टर हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू होगी 2.5 सेंटीमीटर। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 × 10 की पावर -2 मीटर। करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और दोनों में क्या जा रहा है अभी सेम करंट जा रहा है कितना 5 एम्पियर। फिर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π × 10 की पावर -7 इंटू के अंदर 2 × I1 I2, यानी कि दोनों की वैल्यू 5 × 5 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना अभी 2.5 × 10 की पावर -2 स्क्वायर नहीं होगा भाई डिस्टेंस, ये होगा। फिर क्या क्या भी हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसका एक टाइम क्या लिया है ऊपर लिया है, अब ये फिर से ऊपर आ गया भी, एफ इज इक्वल टू 2 × के अंदर ऊपर आया तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी भी, +3 और -7 पहले से ही है, कितनी होगी भी ये, एफ इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा इसकी फोर्स की वैल्यू, इसका भी न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 बोलखा भी, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर, आप रेक्टिफायर से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन डायोड एज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर की वर्किंग देखेंगे, फुल वेव और हाफ वेव। पहले तो हम बात करेंगे कि रेक्टिफायर है क्या, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इंटू डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन काम आता है, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर की स्टार्टिंग करेंगे भाई, रेक्टिफायर बनाएंगे कैसे भाई, हमने क्या ले लिया भाई, एक तो प्राइमरी कॉइल ले ली इस साइड, उसमें हम क्या देंगे भाई इनपुट देंगे, ये इनपुट दे दी भाई हमने, फिर एक सेकेंडरी कॉइल ली भाई, सेकेंडरी कॉइल बोल दी। पहले हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज करेंगे, एक पीएन जंक्शन डायोड का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। यहां पर हमने क्या लगा दिया, कोई लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगी भाई आउटपुट मिलेगी, क्या मिलेगी आउटपुट, इस साइड आउटपुट और इस साइड इनपुट, और इनपुट भी कैसे दे रहे हैं हम भाई, एसी दे रहे हैं। सपोज करो कि हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, ये पीएन है, ये इसका पी साइड, ये इसकी एन साइड, ये प्राइमरी कॉइल P1 P2, ये सेकेंडरी कॉइल S1 और S2। तो सपोज करो भाई रेक्टिफायर की हमने पहले डेफिनेशन लिख दी,
फिर दूसरा ये रेक्टिफायर है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जब भी कोई एक पीएन जंक्शन डायोड, क्या होगा पीएन जंक्शन डायोड किसमें होगा भी, फॉरवर्ड बाइस में होगा। फॉरवर्ड बाइस में होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई, कम होगा। अब उसी प्रिंसिपल के ऊपर क्या है भाई, ये रेक्टिफायर बेस्ड है। इसमें हमने एक पीएन जंक्शन डायोड लिया, यानी कि डायोड एक लिया है। अब इसके वर्किंग देख रहे हैं भाई, वर्किंग के ऊपर हमने क्या दी भाई, ये तो दी आउटपुट, इनपुट दी, ये क्या दी इनपुट, इनपुट दे रखी ऐसे। हमें क्या मिल रही है अभी, इसके नीचे बना रहा हूं, हमें आउटपुट मिल रही है। वो आउटपुट क्या मिल रही है अल्टरनेटिंग, अभी इस साइड हमने भी वोल्टेज बोल दिया, इस साइड क्या बोल दिया टाइम बोल दिया, टाइम के साथ साथ में वेरी कर रही है। तो इसके वर्किंग में लिखेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हुई P1 बिकेम नेगेटिव चार्ज एंड P2 बिकेम पॉजिटिव चार्ज। P1 तो क्या होगी भाई, पॉजिटिव चार्ज होगी, ये कैसे होगी नेगेटिव चार्ज। फिर ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट, ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है अभी, एक कोयल है तो दूसरी कोयल के ऊपर भी क्या आ जाए भाई, चार्ज आ जाए, वही इंडक्शन इफेक्ट है। तो क्या हुआ, ये दूसरी कोयल S1 बिकेम सेकेंडरी कोयल, S1 बिकेम पॉजिटिव चार्ज एंड S2 बिकेम नेगेटिव चार्ज, ऐसा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो डायोड है भी, ये डायोड कैसा होगा भी, P से कनेक्ट और इस साइड किससे, N से, यानी कि नेगेटिव N से कनेक्ट। तो ये डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, लो, यानी कि हमें ये क्या देगा आउटपुट देगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस R, इसने आउटपुट दे दी। फिर लिखेंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल गई तो P1 बिकेम पॉजिटिव चार्ज एंड P2 बिकेम नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट S1 बिकेम नेगेटिव चार्ज एंड S2 बिकेम पॉजिटिव चार्ज। इन दिस स्टेट द पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बाइस कंडीशन, अब ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया पी साइड और ये किससे भी एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई। तो क्या होगा, इसमें ये रिवर्स बाइस में होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट भाई हम बात करेंगे भाई अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा भाई, ऐसा चलता रहेगा, ये उसकी आउटपुट कराओ है और ये उसकी ऊपर वाली है क्या अभी उसकी इनपुट कराओ। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमें आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव में मिल नहीं रही। तो इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को हमने ठीक करने के लिए क्या किया भाई, हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। फुल वेव रेक्टिफायर का भी वही सेम काम है भाई कि एससी अल्टरनेटिंग सिग्नल को उसमें डायरेक्ट करंट में अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो हमने उसके लिए क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दो डायोड का, किसका डायोड का, दो डायोड का, एक तो ये डायोड ले लिया D1 और एक ये ले लिया D2, P साइड इसकी, इसकी N साइड। क्या हुआ भाई कि हमने स्टार्ट किया कि सपोज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट के ऊपर तो हम एसी देंगे, क्या हुआ भाई कि ये P1 बिकेम नेगेटिव चार्ज एंड P2 बिकेम पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट S1 बिकेम पॉजिटिव एंड S2 बिकेम नेगेटिव। इन दिस स्टेट P1 जो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस एंड डायोड D2 इज इन रिवर्स बाइस, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस में, यानी कि ये काम करेगा तो हमें आउटपुट मिलेगी किसकी वजह से, ड्यू टू डायोड D1, ड्यू टू डायोड D1, D1 के कारण क्या मिल गया भाई, आउटपुट मिल गई। फिर नेक्स्ट भाई दूसरा, अगर भाई इसके ऊपर क्या होगा, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल P1 बिकेम नेगेटिव चार्ज, P1 बिकेम पॉजिटिव चार्ज एंड P2 बिकेम नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द इंडक्शन इफेक्ट S1 बिकेम नेगेटिव चार्ज एंड S2 बिकेम पॉजिटिव चार्ज। इन दिस स्टेट D2 इज इन फॉरवर्ड बाइस एंड D1 इज इन रिवर्स बाइस, यानी कि अब भी आउटपुट आएगी, अब वो आउटपुट किसकी वजह से आ जाएगी भाई, D2 की वजह से। सिमिलरली नेक्स्ट आएगी वो किसकी वजह से भाई, D1 की वजह से, ये किसकी वजह से आएगी फिर नेक्स्ट D2 इसकी वजह से, फिर ये D1, ऐसा अल्टरनेट चलता रहेगा और हमें क्या मिल जाएगा, एक डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आप सब ये सारे एक बार अच्छे से अपना देख लेना, और जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसका NPN ट्रांजिस्टर एज एन कॉमन एमिटर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसका आप एक बार पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप जाकर के देखो इन सारी चीजों को, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ जाए तो मेरे पास कमेंट कर देना, हम इस वीडियो को फर्दर आगे बढ़ा देंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं इसमें कि जो आपसे नहीं होगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको आपसे पूछ रखा कि पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन क्या है अभी कि हम रिस्ट्रिक्ट कर दें किसी भी लाइट को कि बस वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए,
फिर कौन सी वेव का हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि हम ओनली ट्रांसवर्स वेव का क्या कर सकते हैं भाई, पोलराइजेशन कर सकते हैं। फिर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और साथ में बर्वेस्टर लॉ प्रूव करना है। उसको एक बार देख लो, ये क्या था भाई, ये एक अनपोलराइज लाइट आ रही है भाई, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है भाई। क्या है भाई, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई। अब ये ए पॉइंट बोल दिया, अब क्या होगा भाई, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये दूसरे मीडियम में जाएगी, तो भाई सपोज करो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन और इसका म्यू टू, तो क्या हो जाएगी, ये म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, म्यू टू बड़ा है म्यू वन से, तो क्या होगा भाई, वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ये ऐसे बेंड करते हुए भाई चली गई, ये एंगल उसने बना दिया आर, ये एंगल कौन सा आई। फिर कुछ है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी वो पोलराइज लाइट होगी, कैसी लाइट होगी, पोलराइज लाइट होगी, और ये पोलराइज लाइट होगी, इसका जो एंगल ऑफ, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन था, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहलाएगा, और इन दोनों के बीच में जो पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट है उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, कितना होगा, 90 डिग्री का। इस पॉइंट को बोल दिया बी, और इसको क्या बोल दिया ओ, ये क्या अभी सी, और ये बोल दिया डी। फिर बर्वेस्टर लॉ क्या कह रहा है अभी, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी, ये बर्वेस्टर लॉ है, इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे भाई, हम बोलेंगे कि भाई हमें पता है कि कौन सा एंगल बी ओ ओ डी, बी ओ डी कितने का है, 90 डिग्री का है। इस एंगल बी ओ डी को हमने क्या कर दिया अभी, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, कौन कौन सा भाई, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 करे हो गए। अब ये भी एंगल कितने का था भाई, नॉर्मल के साथ में 90 का, फिर ये एंगल कितना आ गया भाई, हम आई पी सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये आ गया कितना, 90 माइनस का आई पी आ गया। ये एंगल जो नॉर्मल के साथ में, इसने भी कितना 90 डिग्री का बना रखा है ये वाला एंगल इस साइड में, फिर इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस का आर, पुट कर दो इसकी वैल्यू, 90 माइनस का आई पी और किस इज प्लस में 90 माइनस का आर इज इक्वल टू 90 के बराबर, यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उस साइड जाकर के जीरो हो जाएगा, R इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 90 माइनस का आई पी के बराबर आ गया, ये तो R की वैल्यू आई है। और एंगल जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि I है वो किसके बराबर होगा, आई पी के बराबर होगा। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल देंगे, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन आई पी डिवाइडेड बाई साइन R, हमने I की वैल्यू निकाल ली आई पी, और इसकी 90 माइनस आई पी, म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, साइन आई पी डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस का आई पी, क्या आ गया फिर भाई, म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी डिवाइडेड बाई 90 पर चेंज होगा कितना, कोस आई पी। अब साइन बाई कोस क्या बन गया, टेंजेंट, ये क्या है, बर्वेस्टर लॉ, जो कि ये भी प्रूव हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज 45 डिग्री, यानी कि आई पी की वैल्यू 45 दे दी तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 कितना होता है भाई, 1, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि किसका होता है भाई, वैक्यूम का या अप्रोक्सीमेटली एयर का। इसके और में आएगा भाई, एक तो वेव से आ गया, तो दूसरा आएगा किससे, रे से, और रे वाले में इसने बोल रखा अभी एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप, और साथ में उसके बता रखा अभी कि मैग्निफिकेशन पावर भी आपको क्या करनी है अभी, फाइंड आउट करनी है। तो आप एक बार ट्राई करना कि ये हो जाए अटेम्प्ट, मेरे हिसाब से कोई ऐसा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था जो कि इस पेपर में हमने पहले एक बार नहीं देखा हो, तो आप अच्छे से इस पेपर की तैयारी करें, और ऐसा ही सेम आपका फाइनल पेपर भी आना है, तो मैं तो दुआ करूंगा कि आपके 100 out of 100 ही आए फाइनल पेपर में, आप अच्छे से मेहनत करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। धन्यवाद।